दूसरा, आपके मंत्रालय के अंतर्गत किरण नाम की एक हेल्पलाइन चलती है जो बेनिफिशियरीज को बताती है कि स्वावलंबन कार्ड अथवा भारत सरकार के सहयोग से क्या क्या बेनिफिट्स हमारे दिव्यांग नागरिकों को मिल सकता है। भारत सरकार में यह हमारा भी एक सफलता का पैमाना रहा है कि जब कोविड की परिस्थिति में देश भर में यातायात बंद था, जब कोविड की परिस्थिति में चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में केयर गिवर्स और बच्चे जिनको संरक्षण की ज़रूरत थी, वो कठिन परिस्थितियों में भारत सरकार के सहयोग से दिन अपने गुजार रहे थे, तब हमने मेंटल हेल्थ की दृष्टि से संवाद नामक एक व्यवस्था स्थापित की थी। आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि संवाद के माध्यम से 130,000 से ज़्यादा लोग सहयोग पा चुके हैं, ट्रेनिंग भी पा चुके हैं। तो ये मंच मैं अब पैनल डिस्कशन के सपोर्ट कर रही हूँ और इसको मॉडरेट करेंगे डॉक्टर शेषाद्री, मुझे इजाज़त दीजिए। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां तक कि मिशन पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी प्रोग्राम जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कल्याण प्रोग्राम है। द ICDS एज इट वॉज नोन अर्लियर इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वेलफेयर प्रोग्राम। और हमारी आंगनवाड़ी दीदियां यहाँ जो मौजूद हैं, आप हमारे सीमावर्ती कार्यकर्ता हैं, योर द फ्रंट लाइन फोर्स। तो पैनल की तरफ से आप सबके लिए अभिनंदन। माननीय मंत्री महोदया ने संवाद जो राष्ट्रीय पहल जो हम चला रहे हैं मंत्रालय के लिए, जो अभी 29 राज्य में जारी है, बाल संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, इट्स अ नेशनल इनिशिएटिव ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन विच इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री दैट वी आर रनिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सेक्रेटरी इन निमहांस, एंड इट इज आवर ऑनर एज पार्ट ऑफ दिस पैनल। हमारे साथ गीता चोपड़ा, प्रोफेसर गीता चोपड़ा दिल्ली विश्वविद्यालय की, जिनका स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ काम काफ़ी सालों से जारी है, और निपुण जी जो व्हील्स एंड यू नो ही इज अ डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट एंड हिज प्रेजेंस इज गोइंग टू ऐड टू द इमीडिएसी ऑफ दिस पैनल सेशन। एक आखिरी चीज आपसे कहना चाहता हूं शुरुआत में, आपको याद होगा मंत्री महोदया ने कहा था कि बच्चों का मानसिक विकास जो है लगभग 85-90% ऑफ दिस डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड इन अर्ली लाइफ, एंड वेयर डिसेबिलिटी इज कंसर्न, दिव्यांग स्थिति की जब हम बात करते हैं, ये दीर्घ लेवल का हो तो शायद बच्चा आंगनवाड़ी तक पहुंचेगा नहीं। इफ यू लुक एट सिवियर डिसेबिलिटी, अ चाइल्ड मे नॉट रीच इन आंगनवाड़ी। द ट्रिकी इश्यू इज वेन ए डिसेबिलिटी इज माइल्ड, जब मामूली लेवल का हो और पहचाने में मुश्किल होती है, तो कैसे हम इसको पहचाने, और खासकर कि अगर दिव्यांग स्थिति जो है इट इज मोर फिजिकल बट द चाइल्ड इज अदरवाइज एक्सीडिंगली ब्राइट, दैट तो इस तरह की कई वेरिएशंस होती हैं फील्ड में। तो सबसे पहले निपुण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि व्यक्तिगत तौर से आप जीवन में, आपके लाइफ साइकिल में, वेयर यू आर टुडे एंड द एनॉर्मस एंड फैंटास्टिक वर्क दैट यू आर डूइंग, दैट व्हाट हैज दिस एक्सपीरियंस बीन लाइक, ये जीता जागता अनुभव जो है
छोटपन से, और आपने कई बच्चों को भी देखा है एज पार्ट ऑफ योर वर्क, व्हाट हैज दिस एक्सपीरियंस बीन लाइक एंड व्हाट एंड हाउ डू यू रिलेट इट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटोकॉल दैट इज बीइंग रिलीज्ड टुडे? नहीं, थैंक यू सो मच सर. आई थिंक एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है. मैं खुद एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, जैसे आप देख सकते हैं. मैं पैदा हुआ था 1987 में, और आप सबको शायद पता हो कि इंडिया का पहला डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में आया था, और उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने ऑफकोर्स राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 लाए, जो बहुत ही प्रोग्रेसिव एक्ट है और जिसके कारण बहुत बदलाव आया है सोसाइटी में पर्सन विद डिसेबिलिटीज. पर जब मैं पैदा हुआ था, ये तो मैं हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, डॉक्टरों तक को नहीं पता था कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी जब पैदा होए कैसे रिएक्ट किया जाए. कई डॉक्टरों ने मेरी माँ बाप को तो ये बोला कि इस मतलब ये जी लेगा पर ये कुछ कर नहीं पाएगा, पर ये एक वुडन डॉल की तरह लाइफ जिएगा. इस किसी एक डॉक्टर ने बोला कि इसकी नेक सीधी है इसलिए इसको जिंदा रखना अच्छा है, पर ये पर बिस्तर पर ही पूरी जिंदगी जी पाएगा एटसेट्रा. और मैं बहुत तरीके से लकी था कि मेरी माँ ने गिव अप नहीं किया और वो बहुत डॉक्टरों के पास गई और एक प्रॉपर डायग्नोसिस आया. और जब तक करीब मैं 2 साल का हो गया था, जब तक एक डायग्नोसिस आया कि मेरी डिसेबिलिटी का नाम आर्थ्रोग्लाइफोसिस है और उस डिसेबिलिटी का नाम है कि कारण मेरी मसल्स पूरी डेवलप नहीं करेंगी पर मेरा दिमाग पूरा ठीक रहेगा एटसेट्रा. शायद अगर मेरी पहली डायग्नोसिस होती, शायद कुछ और करेक्टिव सर्जरीज हो जाती एटसेट्रा. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, एंड आई थिंक आप लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है और एक पावर भी दी गई है. एंड आई थिंक भारत में जो भी फ्रंटलाइन मेडिकल प्रोग्रेस हुआ है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के कारण ही हुआ है. तो आई थिंक अब आप सबको ये एक मौका दिया गया है टू इंश्योर दैट अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी पैदा होए, एक तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट उनके पेरेंट्स के अंदर आ जाए और आपके थ्रू कि ये बच्चा अगर आ गया आपकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म नहीं हो गई है, इस बच्चे की भी ज़िंदगी पूरी ख़त्म नहीं हो गई है. हर डिसेबिलिटी में काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं रोल मॉडल्स के जिनने लाइफ में काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी मेडिकल प्रोग्रेस आगे बढ़ गया है. तो आई थिंक यू आर द कनेक्ट बिटवीन द चाइल्ड एंड द मेडिकल प्रोग्रेस दैट कैन इंश्योर दैट द चाइल्ड इज नॉर्मली इन दैट सेंस. यू नो आज भी मुझे शहरों में बहुत ऐसे लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं जो बोलते हैं मेरे को अपने चाइल्ड को एक स्कूल में एडमिशन ले दिया उनकी कोई डिसेबिलिटी है. और मैं जब पूछता हूँ आपकी उनकी डिसेबिलिटी क्या है, वो बोलते हैं हमने कभी मेडिकल डायग्नोसिस नहीं करवाया. पर जब तक डायग्नोसिस नहीं करवाए तब तक एक हेल्थ प्रोग्रेस तो ठीक है, बट सेकंडली आप राइट्स भी अपने पूरे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको ये नहीं पता होगा कि किस डिसेबिलिटी के साथ क्या राइट्स आपको मिलते हैं. तो इन दैट सेंस आप तो ये भी इंश्योर कर पाओगे कि कोई पेरेंट हो या फिर चाइल्ड विद डिसेबिलिटी वो पूरी राइट्स की भी एडवांटेज ले पाएंगे, क्योंकि कानून सरकार ले रही है वो बहुत अच्छी बात है. पर जब तक पेरेंट्स तक वो कानून ना पहुंचे, जब तक वो बच्चों तक वो कानून ना पहुंचे और जब तक वो कानून का फायदा ना उठाएं, कानून भी एक कागज ही है. तो आई थिंक आप लोग एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं. एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड ऑल द आंगनवाड़ी वर्कर्स हियर टू, क्योंकि आप लोगों के थ्रू आई थिंक डिसेबिलिटी सेक्टर इंडिया में बहुत एम्पावर होने वाला है. थैंक यू निपुण, थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन. आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट निपुण मेंशन्ड जस्ट नाउ, दैट a person may have a physical disability but be exceedingly bright. On the other hand, a person may have an intellectual disability but is physically all right. To hum jab divyang sthiti ki baat karte hain aur iska roop, iska aakar, iske chaukhat ko agar hum dekhen, to it brings us to this very important point that at an anganwadi level, ek anganwadi ke sthar pe divyang sthiti jo hai aur vikas ki kami jo hai 5 kshetron mein, दैहिक विकास, भाषा, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास और भावनाओं का विकास. गीता जी, आपसे प्रश्न ये है कि जब हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की बात करते हैं जो प्रोटोकॉल में मेंशन किया हुआ है, सो मेनी इयर्स ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड सो मच ऑफ वर्क दैट यू हैव डन इन द एरिया, दैट शेयर विद अस समथिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ माइलस्टोन्स एज देयर इंपॉर्टेंट and its presence in the protocol. Thank you so much. I would like to thank the Ministry for Women and Child Development for inviting and for holding such an important session. Sab Anganwadi karyakartaon ka hardik abhinandan, aur aapka yahan pe aana apne aap mein ek badlav ki indication hai ki hum ek badlav lane wale hain. And sare officers jo yahan baithe hain ministry ke and other government bodies ke, I'm grateful to all of you. एक बहुत कॉमन आपके मन में ये आएगा कि हम आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं डिसेबिलिटी को लेकर क्या काम कर सकते हैं. ये तो एक
डॉक्टर का काम है, हमारा काम तो है ही नहीं. तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम डिसेबिलिटी को सिंप्लीफाई कर देंगे और उसकी जांच और उसकी पहचान को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे कि आपके लिए ये कार्य करना काफ़ी सरल रहेगा. अब डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबिलिटी के जो रूट्स हैं, जो उसकी जो पहचान है, वो एक नॉर्मल डेवलपमेंट से लिंक्ड है. और आप जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आप में ये खास क्षमता है और आपका जो कार्य है आपको इस क्षेत्र में निपुण बनाते हैं, क्योंकि आप बच्चों के साथ दिन रात काम करते हैं, आप उनकी विकास के बारे में अवगत हैं, आपको मालूम है कि बच्चा किस समय चलना शुरू करता है, किस समय बैठना शुरू करता है, बोलना कब शुरू करता है, अपना नाम कब पहचानना शुरू करता है, उसको रंगों का ज्ञान किस उम्र में होना चाहिए. और इन सबको हम एक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं मानक या माइलस्टोन्स. जब आपको इन माइलस्टोन्स का ज्ञान है, जो आपकी जैसी क्षमता बहुत कम लोगों में है, इतनी नॉलेज बहुत कम लोगों में है, और आपको क्यों ये नॉलेज है, क्योंकि आप एक सिस्टम के हिस्सा हैं और आप वो सिस्टम एक लास्ट माइल तक ले जाते हैं, दुनिया भारत के कोने कोने में ले जाते हैं. और क्योंकि आपको इसकी ज्ञान है, आप अगर बच्चा मानक के हिसाब से नहीं डेवलपमेंट दिखा रहा तो आप उसको पहचान सकते हैं. अब डिसेबिलिटी जो है वो सब क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करती है. जैसे डॉक्टर शेखर ने बोला कि एक बच्चा जो जिसको एक शारीरिक रूप से विकलांगता है, वो मानसिक रूप से बहुत तेज़ हो सकता है. अगर हम शारीरिक रूप की विकलांगता ही देखें तो वो हमारे शारीरिक माइलस्टोन्स को या शारीरिक मानकों को प्रभावित करता है. जैसे एक बच्चा जिसको सेरेब्रल पॉल्सी है और जो हाथ में जिसकी ग्रिप कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं है, तो वो हाथ से जितनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनमें उसमें डिले दिखाई देगी. या एक बच्चा जिसका मान लीजिए पैरालिसिस हो गया है ऊपर से, या उसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, तो उसको अपने चलने फिरने में मुश्किल होगी, तो उसके शारीरिक माइलस्टोन्स अफेक्ट होंगे. सो माइलस्टोन्स की अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो विकलांगता को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगी. आपको मालूम है कि एक बच्चा अगर हम उसके आसपास बात कर रहे हैं तो जब वो 3-4 महीने का है तो वो उस तरफ उसको मुँह करना चाहिए, अपना सिर घुमाना चाहिए. और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, या आपको मालूम होगा कि 8-9 महीने तक वो अपना नाम पहचान लेता है और आप उसको नाम से बुला रहे हैं और फिर भी वो रिस्पांस नहीं दे रहा है 12 महीने तक 18 महीने तक, तो उसको कुछ ना कुछ तो उसमें प्रॉब्लम है. आपके पास एक और फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी ये है कि आपके पास पेरेंट्स दिन रात आते हैं. और जब पेरेंट्स जब आपके पास दिन रात आते हैं, वो कहते हैं हमें लग रहा है हमारे बच्चे का विकास ठीक नहीं हो रहा है, तो आधा काम तो उन्होंने ही कर दिया आपके लिए, तो आपकी ये फिर जिम्मेवारी हो जाती है कि उस बच्चे को ध्यान से देखें अपने आंगनबाड़ी में, उसकी गतिविधियों को देखें, उसके बिहेवियर को देखें, उसके माइलस्टोन्स को देखें. और आप में, जैसे मैंने कहा, वो स्पेशल पावर है कि आप उस बच्चे की अगर उसमें कोई सी भी तरह की डिले आ रही है उसको देख सकते हैं. इसलिए विकलांगता को आइडेंटिफाई करना आपकी बिल्कुल क्षमता के अनुरूप है और आप बहुत आराम से कर सकते हैं, बल्कि आप ही हैं जो करेंगे ये भारत देश के लिए. थैंक यू, थैंक यू गीता जी. यहां विकास की जब बात हो रही है और मंत्री महोदय का जो संबोधन था, जब हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन एंड अर्ली रेफरल की बात करते हैं, तो पहले आप स्क्रीनिंग करते हैं एंड देन देयर इज द होल फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन एंड देयर इज रेफरल एज नेसेसरी बोथ फॉर एडवांस मेडिकल केयर एज वेल एज प्रमाण पत्र जो भी आवश्यक है दिव्यांग स्थिति का प्रमाण करने के लिए. तो ये एक धारा है, एक प्रक्रिया है. तो ये क्रिया प्रक्रिया और प्रतिक्रिया वाली बात जो है, एंड व्हेन वी लुक एट स्क्रीनिंग, निपुण, आई एड्रेस दिस क्वेश्चन टू यू बिफोर वी नाउ आई आस्क गीता जी टू गेट इनटू हाउ द आंगनवाड़ी वर्कर कैन एक्चुअली गेट इनटू डिसेबिलिटी वर्क एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज इन दिस प्रोटोकॉल दैट एक्चुअली एनेबल दिस वर्क. जब हम आइडेंटिफिकेशन स्क्रीनिंग की बात करते हैं, एक बहुत सरल सी बात है, भाषा का विकास ही अगर हम देखिए देवनागरी लिपि जो है, इसकी खासियत देखिए. जब हम उच्चारण की बात करते हैं, देवनागरी लिपि का पहला लाइन जो है क ख ग घ, और यह आवाज़ कहाँ से आती है, और च छ ज झ जो जीभ इज ऑन द अपर पैलेट एंड ट ठ विच इज द टंग
twisted, and tha, which is the tongue between the lip, and pa, which is the lip itself. How beautifully, kitne hazaron saal pehle kisne socha hoga, the air passage and the articulation, how it is. To ye choti choti cheeze jo hain, to understand how disability can be handled at a simple level is what we are looking at for in this protocol. But Nipun, your experience and your ideas based on your work about the whole screening exercise and the importance of this as far as a roadmap for both parents and children with disability as well as for the Anganwadi workers. Right. नहीं, आई थिंक सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि स्क्रीनिंग क्यों जरूरी है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की. और स्क्रीनिंग के पहले मैं अपनी जिंदगी की एक और कहानी सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने से लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है. मेरे को याद है जब मैं अपने 12वीं के एग्जाम दे रहा था, मैंने अपनी 12वीं में देश टॉप किया था. इट्स कॉट 98 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज एंड CBSE एटसेट्रा. एंड उसके बाद एक पत्रकार मुझे मिलने आए थे और उनने आपको मेरे को पूछा था, और मेरे को उनका सवाल तो आज तक नहीं समझ आया, पर मैं फिर भी आप वो सवाल यहाँ रिपीट करूंगा कि आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, आपको कैसे लगता है. तब तो मैंने ये जवाब दिया था कि तकलीफ तो सबकी होती है, फर्क सिर्फ यही है मेरी दिखती है दूसरों की दिखती नहीं है. और तालियां बहुत बजी थी और तालियां फिर बज गई. पर आई थिंक मेरी एक गलती ये आ रही थी कि डिसेबिलिटी में भी काफी तकलीफें होती हैं जो दिखती नहीं है. मेरी डिसेबिलिटी की तकलीफ बिल्कुल दिखती है. मेरी एक डिसेबिलिटी है विच इज अ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मैं एक व्हीलचेयर में हूँ. बहुत लोग होते हैं जिनकी कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, इवन समबडी हु इज डेफ पूरा विजिबल नहीं होएगा इन योर नेकेड आई कि इंसान डेफ है आप देख नहीं पाएंगे, पर उनकी टाइम पे अगर स्क्रीनिंग ना हुए वो काफी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो सकती है, उनको पूरा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल डेफ लोगों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए. एक इंसान डेफ है क्योंकि वो सुन नहीं सकता, पर वो सोसाइटी में क्यों इंक्लूडेड नहीं है? वो सोसाइटी में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि हम सब साइन लैंग्वेज नहीं जानते, और क्योंकि हम साइन लैंग्वेज नहीं जानते हम उस पर्सन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते. बट अगर वो डेफ पर्सन इजिली पहले ही डिटेक्ट हो जाए कि वो डेफ है इसलिए वो कुछ समझ नहीं रहा, एंड उसके पेरेंट्स को साइन लैंग्वेज सिखाया जाए, उसकी टीचर्स में इंश्योर किया जाए कोई साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो एटसेट्रा, वो पूरी तरीके से सोसाइटी में इंक्लूड हो जाएगा. जस्ट लाइक दैट अगर कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ कोई स्टूडेंट है, अगर प्रॉपर स्पेशल एजुकेटर्स एंड प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स दिए जाएं उसके स्कूल में जिसके कारण वो अच्छे तरीके से सीख पाए, वो भी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा कंपेयर टू समबडी जो पूरी तरीके से किसी को समझ ही नहीं आए कि उसको पढ़ाई समझ नहीं आ रही है और वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है इन दैट सेंस. तो आई थिंक स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप. कंसल्टेंट्स के लैंग्वेज में एक बात बोली जाती है हमेशा कि वॉट कैन बी मेजर्ड कैन बी करेक्टेड, एंड आई थिंक डिसेबिलिटी में भी वही है दैट maybe not corrected but at least corrective steps can be taken. Agar aap identify kar lo kaun person with a disability hai and uski kya type ki disability hai, so I think it is very important that screening is done in that sense. I hope that answers your question. Yeah, thank you very much Nipun. Isse mujhe actually ek baat yaad aa rahi hai. Ek vyakti the jinko bolne mein takleef thi lekin sun pate the, to koi sajjan unke paas gaye aur pucha ki bhai sahab ye address kahan hai, to unhone kaha ki bhai sahab ye address kahan hai, तो कागज छीन के लिखते अबे गधे मैं सुन सकता हूं मुझे बोलने में तकलीफ है. तो हमारी धारणाएं जो हैं दिव्यांग स्थिति को लेके और किस तरीके से सरल एक संदर्भ में आंगनवाड़ी के क्षेत्र में हम इन चीजों का उद्धार और सुधार कर सकते हैं, ये बेसिकली इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य है. गीता जी, इसी सिलसिले में आपसे प्रश्न ये है कि कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे साथ आप शेयर करें, जिस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाएं हैं, जो विधान हैं जो हमारी आंगनवाड़ी दीदियां सेंटर्स में उपयोग कर सकती हैं, जिसके द्वारा स्पेसिफिकली टू एड्रेस डिसेबिलिटी स्टेटस, सम शेयरिंग गीता जी ऑन दिस इश्यू. सबसे पहले मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि आप कर सकते हैं, और आपका जो रोल है स्क्रीन करने का, स्क्रीनिंग एक बहुत ब्रॉड बेस्ड चीज़ होती है. जैसे आपने 100 बच्चों को मिले और आपने उनमें से बोला कि भाई मुझे 5-6 में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, आपका इतना ही रोल है, और उसके बाद रेफरल करेंगे, बच्चे को क्या दिक्कत है वो डॉक्टर्स बताएंगे. पर आप उस बच्चे को अपने आंगनवाड़ी में लेकर आएँ, इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण एक रोल है.
और उसको आप आंगनवाड़ी में लाने से भी कई बार आपको लगता है कि हमें तो मालूम नहीं हमें क्या करना है इस बच्चे के साथ, इसको ले भी आएंगे तो उससे क्या कर पाएंगे हम। हमें ये याद रखना है कि आंगनवाड़ी जो सेंटर है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बच्चे के लिए, उसका लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं बच्चे के साथ एक आंगनवाड़ी सेंटर में। जब बच्चा 6 साल से छोटा है हम उसका एक तो सामाजिक विकास है जिस पर हम ध्यान देने वाले हैं, दूसरा उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा विकास जिस पर हम ध्यान देने वाले हैं, और तीसरा सेल्फ हेल्प स्किल्स के बच्चा अपने कार्य खुद कर सके। जब एक बच्चे को आंगनवाड़ी में लाया ही नहीं जाएगा तो और बच्चों से कैसे मिलेगा, उसका सामाजिक विकास कैसे होगा, जब वो और बच्चों के साथ बातचीत करने का प्रयास नहीं करेगा, कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं करेगा, तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होगी जब उसकी माँ ही उसका सारा काम करती रहेगी या उसके घर में दादी ही उसको मदद करती रहेगी, तो वह बच्चा अपने काम करने कैसे सीखेगा। एक मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, मैंने देखा कि एक बच्चा जो ब्लाइंड था वो पूरा दिन घर पे बैठा रहता था, तो उसको खाना भी नहीं खुद से खाता, तो माँ से पूछा गया भाई आप ये बच्चा आपका 8 साल का हो गया है ये अपना खाना भी प्लेट में से उठा के क्यों नहीं खाता है, तो उसने कहा कि इसलिए नहीं खाता है कि सारी चीज़ें इधर उधर गिरा देता है। तो क्या ये सही है कि 8 साल का बच्चा जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जिसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक है और जिसको बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है कि खाना कैसे खाना है, वो अपनी आपकी मदद करना नहीं सीखता। जब बच्चा यही बच्चा अगर आपके पास आंगनबाड़ी में आ रहा होता तो आप उस बच्चे को ट्रेन करते कि अपना खाना कैसे खाना है, और ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं कि अपना खाना कैसे खाना है या आंगनवाड़ी में कैसे चलना फिरना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप हर जगह पर जो टेबल पड़ी है या कुर्सी पड़ी है या स्टूल पड़ा है वो वहीं पड़ा रहेगा, बच्चे को आपको 2 बार दिखाने की जरूरत होगी, 3 बार देखो यहाँ स्टूल है या टेबल है या कुर्सी है या मैट बिछा हुआ है, यहाँ पे वो दराज है जहाँ पे तुम्हारे को खेलने की चीज़ें मिल सकती हैं या किताबें पड़ी हैं। तो बच्चा 2-3 बार जब घूमेगा तो 4थी बार आपकी मदद की जरूरत नहीं है, उसको मालूम है कि बाथरूम किधर है, उसको अपने शौचालय कैसे जाना है, हाथ कैसे धोने हैं, आपको 2-3 बार बताने की जरूरत है, तो बच्चा इंडिपेंडेंस सीखता है। और अगर उसको क्लास 1 में जाना है तो उसको इंडिपेंडेंस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो बिल्कुल ही स्कूल सिस्टम में ही नहीं आ पाएगा। अगर हमने 4-5% रिजर्वेशन कर दी है नई एक्ट के दौरान, हमारे पास 5% बच्चे भी नहीं आएंगे स्कूल में, उनके लिए जो हमने प्रावधान किया हुआ है वो वैसे ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो हमने भी जो भी शुरुआत करनी है वो आपके साथ हो और आपके हाथ में वो बात दौड़ जाती है। आप मन में फिर प्रश्न आएगा कि हमारे पास एक ब्लाइंड बच्चा है और हमारी क्लास की क्रिया चल रही है कलरिंग, अब इसको हम कलरिंग कैसे कराएंगे या इसको हमने शेप सिखानी है कैसे सिखाएंगे। तो बहुत आसान है अगर आपकी वर्कशीट पे आपने ट्रायंगल स्क्वायर वगैरह बना रखे हैं और वो बच्चा नहीं देख पाता है तो आपको उसके आउटलाइंस को ही तो थोड़ा सा उठाने की ज़रूरत है। आप माचिस ले सकते हैं या कोई धागा ले सकते हैं और उसकी आउटलाइन पर वो लगा सकते हैं और बच्चा अपनी उंगलियों से महसूस करके और अपनी क्रेयॉन को या जिस भी चीज़ को पेंसिल को उठाकर उसके बीच में आराम से कलरिंग कर सकता है। एक बच्चा जो स्पेस्टिक है जिसको सेरेब्रल पॉल्सी है जिसका शरीर बहुत अकड़ा हुआ है, क्या वो अगर पूरा दिन आंगनवाड़ी में लेटा रहेगा तो क्या देखेगा, आसमान ही देखेगा ना, सीलिंग की तरफ ही देखेगा। उसको हम कैसे बिठा सकते हैं, फॉर एग्जांपल उसको हम चुनिया यूज़ कर सकते हैं, कुर्सी के साथ उसको ठीक से लगाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वो गिर ना जाए। और एक बार अगर वो सिर्फ आपको देखना शुरू कर देगा, आपकी सारी गतिविधियाँ उसके आई लेवल पर आ जाएंगी, तो क्या आप सोच सकते हैं कि उसका विकास कहाँ कहाँ जाएगा। तो आप हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं और अगर माननीय मंत्री जी ने आपके ऊपर ये विश्वास दर्शाया है तो उनका जो विश्वास है वो बिल्कुल भी बिना आधार के नहीं है, क्योंकि आप में जैसे निपुण जी ने भी कहा वो पावर है जो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हैं करने वाली बहुत बहुत आसान है, एक बार आप करना शुरू करेंगे आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा और आप अपने आप ही इनोवेट करेंगे। इससे ना केवल विकलांग बच्चे को के लिए अच्छा रहेगा पर जो और बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इस बच्चे को इज्जत करना सीखेंगे, उसके साथ रहना सीखेंगे और एक माहौल बनेगा इंक्लूजन का। और वो बच्चे ही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे उनके लिए विकलांग जो व्यक्ति है वो कोई खास इनायत नहीं होगी भगवान की, वो एक नॉर्मल तरीके से नॉर्मलाइज हो जाएगी डिसेबिलिटी। तो आप लोगों का जो ये रोल है वो बिल्कुल बिना शक के आप पूरी भारत की डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं और आप ये मैसेज जाकर दे सकते हैं। और एक जैसे स्मृति रानी जी माननीय मंत्री जी ने बोला ये एक पूरी एक मूवमेंट बन सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, गीता जी हैज रेज्ड टू वेरी क्रिटिकल इश्यूज, द सोशियो इमोशनल लर्निंग एंड द प्रोटेक्शन रिस्क्स
that children with disability have is a special area to consider compared to neurotypical children. भावनाओं का विकास जो है और शोषण वगैरह का खतरा जो है दिव्यांग बच्चों में, how do we understand that there are two issues here? One is the core disability itself, and then the risks that come with it, and finally all the systemic issues, जो certification की बात होती है, प्रमाण पत्र का मुद्दा होता है, ये सब हम कैसे एक संपूर्ण चौखट बनाएं जो व्यक्तिगत तौर से एक बच्चे और उसके फैमिली के मदद के लिए आएगा। निपुण, इस सिलसिले में आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि एक्टिविज्म और एडवोकेसी में आप काफी शामिल हो चुके हैं, जहां तक कि प्रमाण पत्र का सवाल है, यूडीआईडी का सवाल है, एंड आयुष्मान भारत को लेके जो जिक्र हुआ था कि यू नो 36 करोड़ जो है वो कार्ड्स बन चुकी हैं, कुछ प्रैक्टिकल आपके अनुभव से, व्हाट आर सम ऑफ द इश्यूज पर्टेनिंग टू दिस एस्पेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी एज इट अप्लाइज टू द प्रोटोकॉल दैट वी हैव इन माइंड, एंड देन आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन फॉर गीता मैम एज वेल। निपुण, राइट, इंडिया में अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल, आई थिंक राजेश अग्रवाल जी ने भी ये पॉइंट रेज किया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो काफी हाई बोलता है डिसेबिलिटी का फिगर, you know, there are some estimates that in WHO that's 6-7%, but there are also estimates that's 16% actually. But census mein khali 2.21% India mein population persons with disabilities mention ki jati hai. Aur uska ek major reason ye hai ki aur log matlab log bahut ye bolte hain ki census mein sawal alag kisam ke hone chahiye aur sab, par main usme nahi jaunga. Ek aur major reason ye bhi hai ki India mein social stigma related to disability bahut hai. Aaj Delhi jaise shahar mein bhi main कई पेरेंट्स को मिलता हूँ जो एक्चुअली बोलते हैं कि जो अपने बच्चे को छुपा के रखते हैं, यू नो, और बाहर नहीं जाने देते हैं। कई जगहों पे ये भी बोला जाता है कि शायद हमारे हमने कोई बुरा कर्म किया होगा पिछली जन्म में जिसके कारण हमारा चाइल्ड एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है, या शायद उसने कोई बुरा कर्म किया होगा, एटसेट्रा। सेकेंडली, इंडिया में ये भी देखा जाता है कि लोगों को लगता है कि अगर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारी फैमिली में पैदा हुआ है वो हमारे लिए एक हिसाब से एक बोझ है, क्योंकि उसको कोई आगे नौकरी नहीं मिलेगी, कमाई नहीं कर पाएगा, एटसेट्रा। बट सच ये है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, बहुत आगे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कई आईटी कंपनीज, होटल्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काफ़ी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। तो आई थिंक सामाजिक बदलाव है जो आई थिंक आप लोग एक बहुत बड़ा कर सकते हैं एज आंगनवाड़ी वर्कर्स by getting into you know children with disabilities and getting into early detection and screening etc. iska karan ye hai ki jab parivaron ko lagega ki sarkar bhi hamare ghar tak aa rahi hai to look at disability, shayad society mein bhi ek badlav aane lag jayega on persons with disabilities. aapne UDID ki baat card ki baat ki aur various other benefits for persons with disabilities, maine kanoon ke bare mein to pehle baat kar hi li thi ki कानून जब तक इंप्लीमेंट नहीं होता वो खाली कागज ही रहता है। एंड आई थिंक आप लोगों के अंदर एक अवेयरनेस अगर आए और जैसे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने लग जाओगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट एंड अपने एरिया में देखने लग जाओगे कि क्या रेकरिंग प्रॉब्लम्स हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड द गवर्नमेंट की किन चीज़ों में पर्सन विद डिसेबिलिटीज को मदद की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल UDID देख लीजिए, कई स्टेट्स में काफ़ी हाई रजिस्ट्रेशन है एंड नंबर्स बढ़ी जा रहे हैं। कुछ स्टेट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग कर रहे हैं, जहाँ पे UDID कार्ड इतना फैल नहीं पा रहा, तो उन स्टेट्स में शायद आप उन चीज़ों में हेल्प कर पाएंगे। कुछ स्टेट्स हैं जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन पर्सन विद डिसेबिलिटीज तक टाइम पे नहीं पहुंचती, उन स्टेट्स में शायद आंगनवाड़ी वर्कर का रोल ये बन जाए शायद कि वो अलॉन्ग विद द रेगुलर वर्क जो यहाँ पे चल रहा है एक उन चीज़ों में भी हेल्प कर पाएं। सो ऑफकोर्स यू विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बोथ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड फॉर यू टू रियली क्रिएट चेंज इन दैट। थैंक यू निपुण। गीता जी, कुछ आखिरी विचार आपकी तरफ से? एक मैसेज बस आप सब के लिए, क्योंकि आज वो ग्रुप है जो सबसे ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, कि स्क्रीनिंग करने के बाद, आप स्क्रीनिंग तो कर लेंगे मुझे कोई शक नहीं है, और आपको आपको मदद करने के लिए इस प्रोटोकॉल में बहुत आइडियाज़ दिए जाएंगे, एक प्रॉपर प्रोफॉर्मा भी होपफुली बनाया जाएगा जो स्क्रीनिंग में आपको मदद करेगा। पर स्क्रीनिंग करके आगे क्या, अगर आपने उसके आगे कुछ नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए रेफरल्स बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे मेरे पहले भी एक स्पीकर जी ने बोला कि
उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स वगैरह हैं या जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिलेटेड जो भी फंक्शनरीज हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, उनको वो लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है कि इस बच्चे को कहाँ भेजा जाए. तो रेफरल जब तक नहीं होगा तो बच्चे की समस्या का समाधान नहीं होगा. और जैसे कि बोला गया कि 85% मानसिक विकास ही नहीं, हमारा भाषा विकास भी, हमारा शारीरिक विकास भी अर्ली पहले 6 सालों में सबसे ज़्यादा तेज होता है, इसलिए अर्ली इंटरवेंशन. तो एक बार आप रेफरल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा बच्चे की दिक्कत क्या है. और उसके साथ साथ बच्चे को, जैसे निपुण जी ने बोला कि बच्चे को हम छुपा के रखते हैं, आपको पता है अपने आपके एरिया में बच्चा कहाँ छिपा बैठा है, ये सबको पता होता है आंगनवाड़ी सेंटर्स में आंगनवाड़ी वर्कर्स को. तो पेरेंट्स को प्रेरित करना कि बच्चे को बाहर निकालिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, आपके बच्चे को कोई बुली नहीं करेगा, आप इसका बात का ध्यान करें कि बच्चे को कोई छेड़े ना, उसको ऐसे गंदे खराब नामों से ना बुलाए जिससे वो शर्मिंदगी महसूस करे और बोले मेरे को आपसे आंगनवाड़ी जाना नहीं है. तो ये चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान देने वाली हैं कि आप उसको इंक्लूड कैसे करेंगे. अगर स्क्रीनिंग भी कर ली, रेफरल भी कर लिया, बच्चे का इलाज भी शुरू हो गया और बच्चा अभी भी घर बैठा है, तो हम उसके रास्ते में बाधा डालेंगे. और एक विकलांग व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है वो देश के ऊपर, उसके लिए उसकी देखरेख करना बहुत मुश्किल है. पर अगर हम उसकी सहायता उस बचपन में ही कर देंगे तो उसकी कॉस्ट भी कम है और उसकी देश को फ़ायदा भी बहुत है, क्योंकि ये बड़ा होकर प्रोडक्टिव एक रिसोर्स बन जाएगा हमारी कंट्री के, एक एक नागरिक बन जाएगा जो उसके रोज़मर्रा के कामों में, उसकी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करेगा. तो मेरा आपको ये मैसेज है कि आपका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और प्रशंसनीय होगा. धन्यवाद. इस पैनल को समाप्त करते हुए इंदिवर जी, राजेश जी, आपसे ये कहना चाहता हूँ, चूंकि मंत्री महोदया ने ये कहा था कि इसको अगर फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है इस प्रोटोकॉल को, तो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के तहत संवाद ने कई मटीरियल्स तैयार किए हैं जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये पालन एक मैनुअल है ऑल आर्ट बेस्ड, द प्रोटेक्शन मैनुअल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, प्रोटेक्शन इश्यूज इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट, प्री स्कूल की कुछ एक्टिविटीज़ है और एक फ्लिप चार्ट है जो ऑल ऑफ देम आर एसेंशियली पिक्चर बेस्ड ऑन द 5 domains ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. संवाद ने मंत्रालय के जो भी तैयार किया है, एवरीबडी नोज हम लोग कॉपीराइट में बिलीव नहीं करते हैं, हम लोग कॉपी लेफ्ट वाले हैं. तो ये जो है राजेश जी, वी वुड बी हैप्पी टू बेसिकली कोलैबोरेट विथ योर डिपार्टमेंट सो दैट द प्रोटोकॉल दैट हैज बीन डेवलप्ड, द स्क्रीन इंक्लूड एंड रेफर प्रोटोकॉल, द एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ इट कैन बी स्ट्रेंथन्ड बाय द पंचायत रोल आउट दैट वी हैव बीन प्लानिंग particularly to start with the aspirational district as part of the MOWCD. Itna kehte hue, the last thing I want to say is basically to pay and give a resounding kudos to the people who have developed the protocol and to all the Anganwadi didis who are present here who are going to implement it.